नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय माता सीता की। ये तो हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है। नव निर्मित अयोध्या मंदिर में रामलला की मूर्ति पर हर किसी की निगाहें नजर टिकी हुई है। अब इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें श्यामल रूप में रामलला मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। लोग इसे बड़ी संख्या में शेयर कर रहे हैं। क्लिप देखकर ऐसा लग रहा है मानो रामलला मुस्कुराते हुए कुछ कहना चाह रहे हों। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस बीच हर कोई रामलला की उस मूर्ति के बारे में बात कर रहा है जिसमें श्री राम श्यामल रूप में नजर आ रहे हैं। अचानक वीडियो वायरल होने लगा तो लोग इसे खूब शेयर करने लगे। ट्विटर पर भी कई हैशटैग वायरल हो रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में रामलला की मूर्ति को बगल में देखते हुए पलक झपकाते हुए दिखाया गया है। एआई क्लिप में मूर्ति को अपना सिर थोड़ा हिलाते और मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। अब आप भी दोस्तों सोच रहे होंगे कि आखिर रामलला की मूर्ति इस तरह से मुस्कुराती हुई क्यों नजर आ रही है। तो आपको बताते चलें कि इसके पीछे की वजह एआई टेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही रामलला की वीडियो को ऐसा जीवंत बनाया गया है। पोस्ट को एक दिन पहले शेयर किया गया था, तब से लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं। कई लोगों ने हाथ जोड़ने वाले और दिल वाले इमोजी भी शेयर किए। कई यूजर ने लिखा, वाह ये तो बेहद ही अद्भुत है। लेकिन दोस्तों हम भी मानते हैं कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि राम राज्य जैसा प्रतीत हो रहा है, परंतु कलयुग तो अभी बाकी है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य भारत लिखने वाले महर्षि वेद व्यास ने हजारों साल पहले ही कलयुग के बारे में भविष्यवाणियां कर दी थी। महर्षि वेद व्यास के मुताबिक जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, पृथ्वी पर अनाचार और अत्याचारों में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। राजा लोग शूद्र तुल्य होते चले जाएंगे और ब्राह्मणों में संस्कारों का नाश हो जाएगा। राष्ट्र में अधीरता बढ़ेगी और वीरता संपन्नता खत्म हो जाएगी। शिष्य अपने गुरुओं का पालन नहीं करेंगे, विवाह को संस्कार नहीं माना जाएगा, लोग वेदों का पालन नहीं करेंगे, हत्या लूट की घटनाएं बढ़ेंगी, वर्ण और आश्रम की पद्धतियां खत्म हो जाएंगी। जब दुनिया में अत्याचार अनाचार चरम पर पहुंच जाएगा और जनता त्राही त्राही कर रही होगी, तब मानवता की रक्षा के लिए भगवान विष्णु एक बार फिर पृथ्वी पर अवतार लेंगे। वे कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में सामने आएंगे और सफेद घोड़े पर सवार होकर के असुर रूपधारी बुरे लोगों का संहार करके दुनिया से भय आतंक को खत्म करेंगे, जिससे दुनिया में फिर से सतयुग की स्थापना होगी। हालांकि भगवान विष्णु के इस अवतार में अभी कई हजार वर्षों का समय बाकी है, इसके बावजूद आजमन में अभी से कल्कि अवतार की चर्चा, उनकी पूजा और आरती होती रहती है। इसी के साथ दोस्तों, जब प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम की मूर्ति की तस्वीर सामने आई थी, जिसमें वो बाल स्वरूप में श्यामल पत्थर से तैयार दिख रहे थे, ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि रामलला की मूर्ति काली या फिर श्यामल क्यों है। दोस्तों रामलला की मूर्ति का निर्माण शिला पत्थर से हुआ है। इस काले पत्थर को कृष्ण शिला भी कहा जाता है। इस वजह से भी रामलला की मूर्ति श्यामल है। जिस पत्थर से रामलला की मूर्ति का निर्माण हुआ है उसमें कई गुण हैं। वो पत्थर कई मायनों में बेहद ही खास है। रामलला की मूर्ति के निर्माण में इस पत्थर का उपयोग करने के पीछे एक वजह ये भी है कि जब रामलला का दूध से अभिषेक होगा तो दूध के गुण में पत्थर की वजह से कोई बदलाव नहीं होगा। उस दूध का उपभोग करने पर स्वास्थ्य पर कोई गलत असर नहीं पड़ता है। साथ ही ये हजार से भी अधिक वर्षों तक यूं ही रह सकता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के स्वरूप को श्याम वर्ण में ही वर्णित किया गया, इसीलिए ये भी एक वजह है कि रामलला की मूर्ति का रंग श्यामल है। साथ ही रामलला का श्यामल रूप में ही पूजन भी होता है। दोस्तों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भगवान श्री रामलला की जो मूर्ति बनी है वो 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। उन्होंने बताया कि मूर्ति 51 इंच की है और रामलला की मूर्ति का निर्माण काले पत्थर से किया गया है। रामलला की मूर्ति में भगवान के कई अवतारों को दर्शाया गया। बताया जाता है कि रामलला की मूर्ति की लंबाई 4 फुट 3 इंच और चौड़ाई 3 फुट है। भगवान राम की मूर्ति निर्माण के लिए तो कई जगहों से पत्थर लाए गए, लेकिन नेपाल, कर्नाटक और राजस्थान से आए पत्थरों में से किसी एक जगह के पत्थर का चुनाव हुआ है। गर्भगृह में 5 वर्ष की आयु वाले राम की मूर्ति लगी है, जिसके हाथ में सोने का धनुष है, जो पटना के महावीर मंदिर की ओर से आया है।
दोस्तों गर्भगृह काफी बड़ा है, इसीलिए शायद पुरानी मूर्ति दिखाई नहीं पड़ेगी, इसीलिए नई मूर्ति लग रही है। तो ऐसे में दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है और अब मंदिर भी आम जनता के लिए खोल दिया गया है। लेकिन जब मंदिर आम जनता के लिए खोल दिया गया तो मंदिर में भक्तों की भीड़ भी आ उमड़ी। तो ऐसे में अयोध्या स्थित राम मंदिर में भारी भीड़ के चलते पुलिस ने फैसला किया है कि अब पहले महिलाओं और बुजुर्गों को दर्शन कराया जाएगा। ताजा जानकारी के अनुसार दर्शन अब 2 बजे के बाद शुरू होगा। लोगों को रोक दिया गया है। अयोध्या पुलिस ने ऐलान किया है कि दर्शन के लिए पहले बुजुर्ग और महिलाओं को भेजेंगे। इसके अलावा वाहनों की एंट्री तक बंद कर दी गई है, लोग पैदल ही आ जा रहे हैं। बताया गया है कि गर्भगृह में दर्शन जारी है, हालांकि बाहर के गेट पर एंट्री रोकी गई है। श्रद्धालुओं के एक जत्थे को दर्शन कराने के बाद दूसरे समूह को अंदर भेजा जाएगा। एक एक करके रामलला के दर्शन के लिए जत्था रवाना किया जा रहा है। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को अयोध्या के मंदिर में रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर को एक नए युग के आगमन का प्रतीक करार दिया है और लोगों से मंदिर निर्माण में आगे बढ़कर अगले एक वर्ष के मजबूत, भव्य और दिव्य भारत की नींव बनाने का आह्वान भी किया है। तो दोस्तों अब इस वायरल वीडियो के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।